तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसका इंतजार था आज हम जा रहे हैं। आपको वहीं जाके बताएंगे कब कहाँ जा रहे हैं, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। कपड़े वगैरह है और इसमें हमने खाना पैक किया हुआ है, ज़रूरी चीज़, खाने पीने की चीज़ें, ब्रेड पकौड़े, कचौड़ी और मट्ठी वगैरह सब पैक कर रखा है। बस अभी निकलना था, ट्रेन लेट हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारी पूरी तैयारी है जाने की और फ़ोन पे कर रहे हैं, इंक्वायरी ले रहे हैं क्योंकि ट्रेन लेट है ना, तो हम देख रहे हैं कि कितनी लेट है। और सारी तैयारी हो चुकी है, हम तैयार भी थे जाने के लिए, लेकिन ट्रेन लेट है तो इसीलिए वो इंक्वायरी ले रहे हैं। 139 पे फ़ोन ही नहीं उठा रहा कोई, 139 पे कॉल करे जा रहे हैं, कॉल करे जा रहे हैं, और जो लाइव स्टेटस दिखा रहे हैं ना ट्रेन का, उसमें लेट दिखा रहे हैं। तो निकलेंगे हम, लेट ही निकलेंगे थोड़ा सा। सुबह के उठे हुए हैं 5 बजे के। चलो तो देखते हैं आगे, आगे दिखाते हैं आपको क्या होता है आज के दिन। आ जाएगा बैग, तो वहाँ रख देना, देख लो पैरों के आगे। चलो चलो ठीक है, आ गया ना। चलो मुन्नु उधर ही है, चलो भैया चल, चलो पूजा इसको पकड़ ले। बस नहीं आ रहे क्या? लाल बैग कहाँ है? ले लिया निष्ठा, आ जा। आगे रख देते, मुन्नु को दुकान पे दिला ला। अब हम स्टेशन के लिए निकल गए, सुनो। हाँ जी, रेडी हो गए हम सब जल्दी है, अब क्योंकि लेट थी ना, नहीं तो हम तो सुबह निकल जाते हैं, लेट थी। ये देख लो दोनों बच्चों को। लो मेरे को दो। हाँ, हम वहीं मिलते हैं ट्रेन में। फ्रेंड्स, हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहीं से हमें अपनी ट्रेन मिलेगी और हम अंदर एंट्री करते हैं, बताते हैं हमारी ट्रेन का नाम है झेलम एक्सप्रेस। देखते हैं झेलम एक्सप्रेस हमें कहाँ ले जाती है, हमने कहाँ का टिकट बुक किया है, एंट्री करने के बाद आपको सब बताते हैं। इससे पापा से बोले थे वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे। वेटिंग एरिया में ये देखिए मेरी सिस्टर इन लोगों को, मेरे हस्बैंड है ना, दो रिश्ते हैं इनके साथ मेरा, एक जिठानी का। हाँ, एक तो मेरी जिठानी की भाभी है और हमारे इनके मेरे ससुराल के गांव में, गांव के वहीं रहते हैं, तो मेरी ननद भी लगेगी। और ये उनकी बेटी है। हेलो, नाम तो बताओ। मेरा नाम अंजलि है। अंजलि हो गई। अच्छा, बहू भी आ रखी थी, चली गई है। देखो कितना वो होता है ना, बस मतलब हम वहाँ जा रहे हैं, आप भी मिल गए, पता भी नहीं था कि मिलेंगे। अचानक सोचा भी नहीं था, जबकि दिल्ली में पालम में रहते हुए, पालम में आ रखे थे, नहीं मिल पाए इतने भीड़ के बीच, और इतनी भीड़ के बीच में भी पहचान लिया। चलो सही है। अनाउंसमेंट हुई थी कि हमारी ट्रेन झेलम एक्सप्रेस प्लेटफार्म 3 पे आने वाली है, तो हम प्लेटफार्म 3 पे जाने वाले हैं। ये देखो कितनी नीचे सीढ़ियाँ हैं, अब देखो उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है, उतरना तो कोई बात नहीं, हम आराम से उतर जाएंगे। चलो अब ट्रेन का इंतजार करेंगे वहाँ पहुँच कर। अब आपको सरप्राइज देते हैं कौन कौन जा रहा है। ये सबसे बड़ी दीदी है, ये भी हमारे साथ है सफ़र में, और ये मेरी भतीजी है, और ये मेरी छोटी सिस्टर, उसके हस्बैंड, उनके बच्चे हैं, उनकी पूरी फैमिली है। और आपको और बताते हैं, अब इधर ना मेरी पता नहीं क्या हो गया था, स्पीकर ऑफ हो गया था तो आवाज़ नहीं आई, सॉरी। मैंने स्पीकर इसलिए लिया था कि सबकी आवाज़ रिकॉर्ड करूं, बाहर की आवाज़ ना आए, तो आवाज़ नहीं आई उसके लिए सॉरी। तो मैं अलग से डबिंग कर रही हूं अपनी आवाज़। अभी तो और सरप्राइज़ है या मैं आपको मिलाती हूँ। ये मिले मेरे पापा से, मेरे पापा भी साथ जा रहे हैं, और ये है मेरे सबसे बड़े मामा जी। मामा जी हमारे साथ जा रहे हैं सफ़र में, बड़ा मज़ा आएगा। जब आप भी बताना कि जब फैमिली के साथ जाते हो तो कितना एंजॉय करते हो।
जहाँ पर हम खड़े हैं तो हमारा जो कोच है ना B3 वही कोच के पास खड़े हैं, जब रुकेगी तो हमारा कोच हमारे साथ। चलो अब आओ मैं चलती हूँ। हम ये करना है क्या, उतर रहे हैं, आराम से जाएंगे, आगे नहीं जाने वाली। अभी रुक जाओ, उतरने दो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ तो बनाया था मैंने ब्रेकफास्ट ही, अब क्या करें, ट्रेन लेट होगी तो। अब लंच के टाइम पे तो कुछ भी खा सकते हैं ना, ट्रेन में तो ये अच्छा लगता है ना, लंच का टाइम है और हम देखो सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ट्रेन के चक्कर में तो जो बनाया वो दिखा रहे हैं। हमने ब्रेड पकौड़े बनाए जल्दबाजी में जैसे बने, एक तो सुबह सुबह ना इतना वो होता है ना बहुत ज्यादा, चक्कर से भी आ रहे थे। इतनी अरे इतनी तो खाएगी नहीं, बीमार भी तो गए आप, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वीक में सो रही थी। पॉप करने का सॉरी, हेलो गाइस, मैं बहुत मजे कर रही हूं मम्मी से, ये नोटे रो रो के परमिशन मांग रहे हैं, सो के उठते हैं, ये लो आप भी खाओ, इसलिए खेलने का मेरी देर से इनको ले लेंगे, ये लो सो जाना, मुझे बैठिए, ये लो ये कब से पकड़े, मैं अपने घर ही जा रहा हूं। कौन बैठे वाली है आरोही, हां कैसा लग रहा है, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, ध्यान से गिर ना जाए सर पे लग जाता है, मम्मी है जो हम खुद को कह रहे हैं क्योंकि हम भी देखते हैं आपकी वीडियोस, इतनी खुशी हो रही है ना साथ जाने की। हम गाइस शिरडी जा रहे हैं, मैं भी शिरडी जा रही हूं, मैं साईं बाबा से बहुत अच्छी विशेस मांगूंगी, मैं भी साईं बाबा से बहुत अच्छी अच्छी विशेस मांगूंगी, वेरी गुड, कल भी भाग लेना और साथ भी रखा, क्या बोले क्या बोलो अपने लिए भी, आप लोग ऐसे बोलते बस साईं बाबा की कृपा है, हाँ जी हाँ जी, उन्हीं की कृपा, और ये देखो ये दोनों मेरी सिस्टर है, ये फिर अभी वो आराम कर रही है, ये देखिए अभी सब लोग पूरी सीट खोल दिया, अभी ये बीच में सीट लगा दिया है, और देखो यहाँ पे बुआ सो रही है, दूसरी बुआ सो रही है, फूफा जी सो रहे हैं, दीदी सो रही हैं, नौटी भैया सो रहे हैं, और मैं जागी हूँ, व्लॉग बना रही हूँ बुआ का, ये देखो गाइस बाहर इतनी तेज जा रही है ट्रेन, बारिश हो रही थी। फ्रेंड्स देखो बाहर का नजारा कितना अच्छा लग रहा है, आपको पता ही चल गया होगा बच्चों की बातों से सबकी बातों से कि हम शिरडी जाने वाले हैं, हाँ जी हम शिरडी जाने जा रहे हैं, और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको भी साईं बाबा का दर्शन कराएंगे, आप भी हमारे साथ शिरडी यात्रा पे बने रहिए और साईं बाबा के आशीर्वाद पाते रहिए, और मैं सब दिखाऊंगी आपको, शिरडी यात्रा पूरी दिखाऊंगी शुरू से लेकर एंड तक, और कौन कौन सी ट्रेन जाती है, कहाँ कैसे जाना है सब बताऊंगी आपको, ताकि आप आओ तो आपके लिए इजी हो। छोटा सा ये क्या केले खा रहा है, बिस्किट नहीं खा रहा, चलो चावल आ गया, चावल जंक्शन, देखो यहाँ कितनी गर्मी है, पता ही है आज ही गंदा लग रहा, बहुत साफ सुथरा है, पता ही बहुत साफ में सफर करते करते 22-23 घंटे हो चुके हैं, और जब रास्ते में सीढ़ी आओ ये थम्सअप वाला साइन दिखे ना, ये देखो ये इस तरह का पहाड़ बना हुआ है, ओरिजिनल है, ये किसी ने बनाया नहीं, ओरिजिनल है, जब ये पहाड़ दिखे तो समझो सीढ़ी आने वाला है। देखो सफ़र ऐसी चीज़ है, अनजान लोग भी मिलते हैं,
तो उनसे दोस्ती भी हो जाती है। ये हमारे साथ ही रहे थे पूरे सफ़र में, वो भी सीढ़ी जाएंगे। अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, देखते हैं कहाँ तक चलता है हमारा सफ़र। उतरना नहीं है, चलो स्टेशन आने वाला है। जय साई राम, स्टेशन आने वाला, चलो आने वाला है। तैयारी पहले करनी है, दो मिनट के लिए रुकेगी बस ट्रेन। और ये हमारे नए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी, फ्रेंड्स भी। अब ये भी हमारे साथ सीढ़ी जा रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे ओल्ड सब्सक्राइबर है, ओल्ड है ये तो। यूट्यूब फैमिली तो है ही हमारी, अपनी फैमिली भी है, हमारी खुद फैमिली है। हेलो, चलो बारी बारी उतरो, अपने अपने बच्चे गिन लेना, अपने अपने बच्चे गिन लेना भाई। अपने अपने बच्चे, मैंने गिन लिए दो बच्चे। ये देखो दो बच्चे, सबसे बड़े बच्चे, अकल में छोटे।